विषय है वर्तमान मानव, जो विज्ञान में प्रगति करता जा रहा है, कला साहित्य के क्षेत्र में प्रगति करता चला जा रहा है और हृदय की भावनाएं कहीं पीछे छोड़ती जा रही है। बुद्धि के बल पर उसने संपूर्ण प्रकृति को जीत लिया है, संपूर्ण भूगोल और आकाश सभी उसके अधीन हो चुके हैं, लेकिन वह भावनाओं से रहित हो चुका है। वर्तमान मानव प्रेम, त्याग, समर्पण, सौहार्द, सद्भाव, बलिदान, इन जीवन मूल्यों से कहीं दूर होकर केवल और केवल बुद्धि के बल पर विज्ञान में असीम प्रगति करता जा रहा है। उसने प्रकृति के सभी तत्वों पर अपना अधिकार कर लिया है। पहले स्वयं प्रकृति के अधीन हुआ करते थे हम, उसकी पूजा करते थे, लेकिन आज संपूर्ण प्रकृति हमारे अधीन हो चुकी है और विज्ञान के बल पर हमने विभिन्न रहस्यों को जान लिया है और उसी आधार पर प्रकृति के पांचों तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समी, इस सभी पर मनुष्य ने अपनी विजय पताका फहराई है। कवि की चिंता का विषय है कि आज प्रकृति को अपने अधीन करके मनुष्य जिस विजय घोष को कर रहा है, वही उसके पतन का कारण भी बन रही है। वर्तमान मानव मूल्यों से रहित हो चुका है, समर्पण की भावना समाप्त हो चुकी है और प्रेम का भाव भी कहीं समाप्त हो चुका है। इन भावों की समाप्ति ही कवि की चिंता का विषय है कि आज मनुष्य विज्ञान के विषय में सोच रहा है, कला साहित्य में उन्नति कर रहा है, लेकिन वह अपने आप की पहचान नहीं कर पा रहा। स्व की पहचान से वह बहुत दूर निकल गया है और आज का मनुष्य उसी युग में जी रहा है, संपूर्ण प्रकृति को अपने अधीन करना चाहता है। वर्तमान मानव प्रकृति और वातावरण पर अपराजेय विजय प्राप्त कर चुका है और भूगोल को उसने अपने अधीन बना लिया है, संपूर्ण प्राकृतिक जगत को अपने अधीन बना लिया है। तो आगे के अंश को हम पढ़ेंगे। हो जहां पर बैठना
स्वयं में ही है। संगीत की धुन में तुम लीन हो जाओ। किससे दूर जाओ?
निकालो। तो नदी की धारा तुम्हारी समस्त थकान को मिटा देगी और प्राकृतिक जगत जगह पर तुम स्वयं को जगह देगी। प्राकृतिक जगह पर जाकर
सभी के पास 24 घंटे हैं, चाहे हम मैं हूँ, आप हैं, मुकेश अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, उन सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन उन समय का वह किस प्रकार से उपयोग करते हैं? क्या हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं? क्या हम अपने समय को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कदम लगाते हैं? क्या अपने समय को हम समाज के हित के लिए लगाते हैं, परिवार के कल्याण के लिए लगाते हैं? तो उस समय में से अपना समय निकाल करके कुछ एकांत में दिन बिताओ, अपने आप की पहचान करो, अपने जीवन के उद्देश्य की ओर निहारो कि क्या हमारा उद्देश्य जीवन में पूर्ण हो रहा है या हम ऐसे ही अपने जीवन और समय को बिताए जा रहे हैं। हो जहां पर बैठकर पल स्वयं में ये मनुष्य उस प्रकृति के पास जाओ और वहां बैठ करके स्वयं में रम जाओ, वह प्रकृति ही तुम्हारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन करेगी। तो यहाँ प्रकृति के निकट जाने का भाव व्यंजित हुआ है और कवि चाहता है कि व्यस्तता इंसान वर्तमान समय में अपने आप को समय दे और प्राकृतिक जगत जगह पर जाकर के अपने आप में जो कौशल है, जो उसमें योग्यताएं हैं, उनकी पहचान करे। प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है, वही हमें सिखाता है। हम सभी जानते हैं अंधेरे के बाद उजाला होता है, तो वह क्या सीधे दे रहा है? निराशा में आशा की किरण का संदेश दे रहा है और वह प्रकृति हमारी समस्त थकान को भी मिटा देती है। आगे के पद हम पढ़ते हैं, आगे भी लिखते हैं, फूल सा एकांत
लौटना होगा। इस रूप में फूल सा एकांत में और बोलने के हेतु शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देर। देवता है मांग के मन के लिए लघु के गे अनिर्भर स्थान। हाय मानव नियति के दास भाग्य के सेवक बनते रहे। हाय मनुपुत्र यानी मनुष्य अपना आप ही उपहास तुमने अपना मजाक स्वयं ही बनाया है। और यानी हृदय फूल सा एकांत में और बोलने के हेतु जिस प्रकार रात में बंद बनी प्रातः काल खिल करके फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसी प्रकार तुम भी एकांत में जाकर के अपने मन के इन भावों को खोजो। क्या भाव है यहाँ? मन के भाव खोजो। तुम्हारे हृदय में असीम भाव विराजमान है। दया ममता करुणा प्रेम सौहार्द सद्भाव त्याग बलिदान समर्पण इन सभी भावों को तुम एकांत में जाकर के महसूस करो। वह तुम्हारे ही भीतर छिपे हुए हैं। जिस प्रकार रात में बंद कली प्रातः काल फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है और सुंदर अनुभूति देती है उसी प्रकार तुम भी अपने हृदय रूपी कली को एकांत में जाकर के खोलो। वह क्या है? भावनाओं से भरी हुई है। उन भावों को तुम खोजो। शाम को दिन की कमाई तोलने के लिए तुम्हारे जीवन का केवल यह उद्देश्य नहीं है कि दिन भर में जो कमाया उसे शाम को लाकर के गिनने लगो। कर्म किया अच्छी बात है लेकिन कर्म के साथ साथ मन को भी टटोलना सीखो। मन के भावों को भी जागृत करो। तुम्हारा मन बहुत ही सुंदर भावों से भरा हुआ है। ले चुकी सुख भाव समुचित से अधिक दे। तुम्हारी जो देह है जो तुम्हारा शरीर है वह उचित से अधिक सुख भोग चुकी है। स्विच ऑन पंखा चल गया, रिमोट से एसी चल गया, टीवी चल गया, सब कुछ तुमने सहज बना लिया है। क्या किया है? विज्ञान से सब कुछ सहज हो गया है। विज्ञान से सब कुछ सहज और सरल हो गया। तो कवि कह रहे हैं कि तुम्हारे जो शरीर है वह जरूरत से अधिक आराम प्राप्त कर चुका है, सुख भोग लिया है उसने। लेकिन अब तुम्हारे हृदय रूपी जो देवता है, हृदय रूपी देवता अब तुमसे तुम्हारे मन के लिए एक घर चाहते हैं, एक स्थान चाहते हैं। तुम्हारा हृदय जो मधुर भावों से परिपूर्ण है वह भी तुमसे एक घर चाहते हैं जहां वह मधुर भाव अब भी सुरक्षित रहे। बार बार पर क्रोध करना, अधीर हो जाना, क्रोध करना, गुस्सा करना, नफरत का भाव, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो बुराइयां हैं उन्हें त्याग करके तुम्हारा जो मन है, तुम्हारा जो हृदय है वह तुमसे एक छोटा स्थान चाहता है जहां उन कोमल मधुर भावों को स्थान मिल सके। किसलिए? लघु के किसलिए? कोमल या मधुर भावों को।
कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम तो नियति के दास हो गए, तुम तो भाग्य के भरोसे हो गए। कैसे हो गए? अकर्मण्य हो गए, कर्महीन हो गए। तुमने तो सोचा विज्ञान के माध्यम से जो प्रगति की है वही श्रेष्ठ है, इसलिए तुम अब कर्म ही नहीं करना चाहते और नियति के दास बनकर रह गए हो। भाग्य के भरोसे तुमने अपने जीवन को छोड़ दिया है। हाय रे मनु, हे मनुष्य, मनुपुत्र यानी मनु के पुत्र, मनुष्य दुख का भाव है, अपना आप ही उपहास, तुमने तो अपना मजाक स्वयं ही बना लिया है। तुम कैसे हो गए? कर्महीन हो गए, उद्देश्यहीन हो गए, जीवन को ऐसे ही बिताए जा रहे हो, लगे हुए हो सुबह से शाम तक पैसे गिनने में, लेकिन तुम्हारे पास अपने लिए समय नहीं है, अपने कोमल व मधुर भावों को स्थान नहीं दे पा रहे हो। उन भावों को यहाँ कवि ने व्यक्त किया है। जिस प्रकार कवि सुबह फूल के रूप में परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार हे मनुष्य, तुम भी एकांत में अपने हृदय को खोलो, अर्थात अपने मन के भावों को जानने की कोशिश करो। शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु तुम्हारा उद्देश्य तो केवल यह रह गया कि शाम को घर लौटे और दिन भर जो कमाई की उसे तुमने गिन दिया। यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक दे, तुम्हारा यह शरीर उचित से अधिक सुख की प्राप्ति कर चुका है। गांव में तो अब भी कुओं से पानी लेकर आती हैं महिलाएं, लेकिन हमारे यहाँ स्विच ऑन मोटर चली तुरंत पानी भर गया, अलार्म ऑन लगा देते हैं जिससे टंकी का पानी बहेगा, है ना। तो हमारा शरीर क्या हो गया? आराम में आ गया है, लेकिन उस आराम के बाद भी हमारा हृदय रूपी देवता मन के कोमल एवं मधुर भावों के लिए उचित स्थान चाहता है। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, धोखा, इन सभी से परे हट करके अहिंसा, करुणा, प्रेम, सद्भाव, त्याग, समर्पण, इन कोमल भावों की स्थापना करना चाहता है। हाय रे मन, हे मनु, हे मनुष्य, दुख की बात तो यही है कि तुम आज भाग्य के दास बनकर रह गए हो। तुमने विज्ञान में इतनी प्रगति कर ली है कि अब तुम केवल और केवल कर्महीन और उद्देश्यहीन होकर ही जीवन व्यतीत कर रहे हो। हाँ ये मनु, ये मनुष्य, अपना आप ही उपहास, तुमने तो अपना मजाक स्वयं ही बना लिया। उपहास है मजाक, ये मनुष्य, तुमने तो अपना मजाक स्वयं ही बना लिया है। तुमने विज्ञान में असीम प्रगति की है, साहित्य कला में उन्नति की है, लेकिन तुम हृदयगत भावों से खाली हो गए हो। और आज समय है जब तुम एकांत में जाकर हृदय में बसने वाले उन कोमल एवं मधुर भावों को उन्हें जागृत कर सको। वह सुप्त अवस्था में तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उन्हें फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कलियां फूल के रूप में खिलती हैं, उसी प्रकार से तुम अपने हृदय को खोल करके उन कोमल एवं मधुर भावों से परिपूर्ण हो जाओ। तुम आज का मनुष्य ही यहाँ चिंता का विषय है, जिसने विज्ञान में प्रगति की है और प्रकृति और समस्त वातावरण को अपने अधीन बना लिया है। उसकी कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति विस्मयकारिणी है, और साथ ही साथ हृदयगत भाव शून्य हो रहे हैं। यह कवि की चिंता का विषय है कि मनुष्य भावों से रहित होता जा रहा है, हृदयहीन होता जा रहा है। लगाव, आत्मीयता के भाव कहीं ना कहीं समाप्त होते जा रहे हैं।
और मनुष्य वर्तमान कर्महीन और उद्देश्यहीन होकर ही जीवन व्यतीत कर रहा है और यही कवि की चिंता का विषय है। और इसीलिए वह दुख के साथ कहता है कि हे मनुष्य, तुम तो आज भाग्य के दास या सेवक बनकर ही रह गए हो, तुम कर्म ही नहीं करना चाहते हो। और हे मनुष्य, यह दुख का भाव है कि तुमने अपना मजाक स्वयं ही बना लिया है। तुमने विज्ञान की उन्नति के बाद भी चाहा कि हृदय के भावों से तुम नहीं हो गए। तो विज्ञान से सब कुछ सहज और सरल हो गया है, लेकिन तुम्हारे हृदय के कोमल एवं मधुर भाव कहीं खो गए हैं। अब हृदय रूपी देवता तुमसे पुनः वह कोमल एवं